उस तरीके की घटना दोबारा ना हो। तो ये मैं जब ये भी इसी तरह विजुअल देख रहा था कि 2-400 का मलबा जो था बच्चों का अपने जिनसी पुलिस स्टेशन में जमा हुआ था। इसलिए जो अवाम है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब में मिलकर जो है समझदारी के साथ अपने शहर का जो माहौल है वो संतता रखना चाहिए। वकील साहब, आज कोर्ट में आरोपी को लाया गया था, क्या केस में लाया गया था और कोर्ट में आज क्या मामला रहा? देखिए, इतवार को रात में जो है एक किशोर गणेश गवाने नाम का वजहपुर तालुके का लड़का था, जिसने जो है तो इंस्टाग्राम पर इस्लाम मजहब और हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके ताल्लुक से गलत पोस्ट वायरल किया था। उसके गलत पोस्ट वायरल करने की वजह से जो है तो तमाम मुस्लिम अवाम में गुस्से की लहर दौड़ी थी और ऐसे मौके पर जो है रात में 3 बजे तक जिनसी पुलिस स्टेशन में हुजूम जमा हुआ था। सबने मिलकर पुलिस को बोले कि भाई उसको एक तो अरेस्ट करो और उसके खिलाफ FIR दाखिल करो। बाद में जब देर रात पुलिस ने उसके खिलाफ FIR दाखिल करी, उसके बाद में जो हुजूम था वो अपने अपने घरों पर चला गया। ये किसी की तरफ से आह्वान नहीं था, लोग खुद ब खुद वहां पर जमा हुए थे। लेकिन जो कर्तव्यगार पुलिस है, इन्होंने उसको पुलिस को खबर लगी कि मध्य प्रदेश में जो है तो भागकर जाने वाला है, भोपाल को जाने वाला है, तो पुलिस उसकी तलाश करते हुए कन्नौज पहुंची और कन्नौज से उसको पकड़ कर लेके आई। उसको लाने के बाद में आज उसको पुलिस में कोर्ट में पेश किया गया। अब ऐसे टाइम में जो है तो रात में जब FIR दर्ज किया गया था, पुलिस ऑफिसर ने तो गवाह दिए थे कि हम FIR दर्ज कर लेते हैं और FIR दर्ज करवाए उन्होंने, लेकिन FIR दर्ज करने वाला जो शख्स था उसने ऐसी सीरियस घटना के अंदर 67B उसके बाद में 120B और घंटा दंगा भड़काने की जो दिगर नुकात, यह कलमा जो है तो लगाना चाहिए था, ये लगाया नहीं, जिसकी वजह से उसको आसानी से बेल हो सकती और पुलिस की जानिब से ही उसकी जो है तो MCR यादी बना के लाई गई और MCR रिपोर्ट के ऊपर जो है उसको MCR होना ही था। लेकिन MCR होने के बाद में उसने जो है तो अपना जामीन का एप्लीकेशन आगे किया उसके वकील के जरिए से, उसको हमने सख्त मुखालफत किए और हमारी मुखालफत के बाद में जो है अदालत ने उसका जमानत का दरख्वास्त है उसको खारिज कर दिया और उसको MCR में महफूल जेल भेज दिया गया। आपका पूरा नाम सर? शेख नवाब अहमद उर्फ नवाब पटेल। ये जो पूरा मामला हुआ, इसमें आप अवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हमारी अवाम से एक ही अपील है कि अभी जो है 2024 का इलेक्शन आ रहा है और ऐसे टाइम में जो है जिन पार्टियों को जातिवादी दंगे भड़काने से फायदा पहुंचता है वो पार्टियां ये काम करते रहेंगी। इसलिए जो अवाम है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब में मिलकर जो है समझदारी के साथ अपने शहर का जो माहौल है वो संतता रखना चाहिए। शहर में किसी तरह की कोई गुंडागर्दी नहीं होना, इसका ख्याल रखना चाहिए और अफवाह पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ये मेरा ऐसे टाइम में मैसेज है। तो आपको क्या लगता है, इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल है मामले में? हो सकता है, जिनको वोटों से फायदा हो सकता है वो ये काम करा सकते हैं। ठीक, एडवोकेट साहब, आज जो मामला हुआ है, ये कोर्ट में जो आरोपी को लाया गया था उस मामले में MCR किया गया, तो ये किस बेस पे किया गया और आगे इसमें क्या मामला रहेगा इस केस का? पुलिस की जानिब से इसमें MCR दाखिल किया गया कि मोबाइल वगैरह जो जब्ती है वो जब्ती हो चुकी है और इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, ऐसा पुलिस को लगता है। और हमारी मुखालफत ये थी कि इसमें 120B लगाना चाहिए IPC सेक्शन, क्योंकि इसमें कोई साजिश तो नहीं है कि जैसा हाल ही में किराड़पुरे का एक मुद्दा हुआ था, इसी से रिलेटेड था, वो कनेक्टेड था कि ऐसी बयानबाजी हुई थी, वो सभी चीज़ें
पब्लिक को पता है उसमें क्या हुआ था, तो उस तरीके की घटना दोबारा ना हो। तो ये मैं जब ये भी इसी तरह विजुअल देख रहा था कि 2-400 का मलबा जो था बच्चों का अपने जिंसी पुलिस स्टेशन में जमा हुआ था और हालात बिगड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे, वापस से कोई दुर्घटना होने का चांस था, बहुत सीरियस ऑफेंस था। और हम तो कहेंगे कि ऐसी दोबारा ना हो। जमीयत उलमा के मुस्तफ़ा एम के जो इसमें फिरियादी है, तो लीगल सेल डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट है, उनसे कांटेक्ट में था मैं इस मामले को लेकर। फिर उसमें जो है तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे हालात इसमें चल रहे हैं और पुलिस ने भी इमीडिएटली, पुलिस प्रशासन का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने बहुत इमीडिएटली एक्शन लिया और उनके साइबर सेल, क्राइम ब्रांच और मनोज लोहिया सर की गाइडेंस में जितने भी ACP, DCP, PI सभी डिपार्टमेंट के लोगों ने इसमें जो है तो तुरंत कार्रवाई करके आरोपी को अटैक किया। यहाँ तक के सब सही था एकदम से, लेकिन MCR आना हमारे लिए शॉकिंग था कि इतना सीवियर मुद्दा, इसमें कौन है, पीछे क्या है। MCR आने के बाद अब क्या आप इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर पाओगे। खैर, कोर्ट को हमने और हमारे सीनियर नवाब पटेल साहब ने खूब जो है तो उसमें आर्गूमेंट की और उसको अगेंस्ट में बताया कि हाल ही में अभी हम वो भूले नहीं, 6-7 महीने पहले जो मजलूम बच्चों को भी अंदर कर दिया गया था, तो हम अगर वो उस दिन मामला नहीं संभालता, मुस्तफ़ा वहाँ पे नहीं रहते एम के, तो हालात नहीं सुधरते। और बच्चों का भी शुक्रिया अदा करूँगा मैं कि ठीक है, मोहब्बत थी अपने, हमको भी वही है मोहब्बत, और उस मामले को जो बिगड़ता हुआ हालात थे, पुलिस ने और पब्लिक ने कोऑर्डिनेशन करके हालात को सुधारा। और मैं ये कहूँगा कि जमीयत उलमा ने इसमें जो है तो फरियाद दी मुस्तफ़ा एम के ने, और इसमें अरशद मदनी साहब जो इसके प्रेसिडेंट है, और इसमें जो है तो सिटी प्रेसिडेंट हाफिज़ अब्दुल अजीम साहब, ये सब की नुमाइंदगी रही इसमें, और उनके बिहाफ पे जो है तो नवाब पटेल साहब उसके लीगल सेल में जो है तो एज अ एडवोकेट अपॉइंटेड है। और मुझे स्पेशल जो है तो कॉल आया था कि आप भी इसमें साथ में रहो, और हमने मिलकर जो है तो इसकी मुखालफत की बेल की और इस बेल को जो है तो हमने रिजेक्ट करवाया। ठीक, आपका पूरा नाम सर? मेरा नाम एडवोकेट ज़ीशान सरफराज जैद। इसमें हमारी एक टीम जो बन चुकी थी, इसमें बनी हुई है एडवोकेट नवाब पटेल साहब, एडवोकेट ज़ीशान अली जैदी, मैं खुद, और हमारे शेख सलीम साहब, और एडवोकेट जकी, और इसमें एडवोकेट तौफिक सैयद मोइन एडवोकेट, हम सब ने मिलकर इसमें अपने अपने हिसाब से हिस्सा लिया है। और जो पब्लिक ने हम पे भरोसा रखा था और जो मुस्तफ़ा साहब को जो वहाँ पे आश्वासन पे रुके थे लोग, कुछ दंगा निर्माण नहीं होना बोल के जो समझाए थे मुस्तफ़ा ने, तो वहाँ पे जो है तो उन बच्चों को भी पूरा हमने जो है तो खड़े उतरे उनकी जवाबदारी पे, वो बच्चों को आज हमने हरसूल भिजा दिया। और इस तरीके की हम उम्मीद करते हैं किसी भी धर्म में दोबारा ऐसी हरकत ना हो, ना उन्हें तकलीफ हो ना हमें तकलीफ।